প্রতিমাসে রাজ্যে আসছেন একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কখনো সাংগঠনিক সফরে, আবার কখনো প্রশাসনিক কাজে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের রাজ্য সফর চলছে ধারাবাহিকভাবে। রাজ্য সফরকালে তারা খতিয়ে দেখছেন সরকারি বিভিন্ন কাজকর্ম। শনিবার দুই দিনের রাজ্য সফরে এলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডক্টর ভারতী প্রবীণ পাওয়ার। রাজ্যে এসে এদিন তিনি ছুটে যান আগরতলা জিবি হাসপাতাল এবং অটল বিহারি ক্যান্সার হাসপাতালে। বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ও প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এই দুই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নাগরিকদের সুরক্ষার প্রশ্নে কি ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন তা নিয়েও কথা বলেন চিকিৎসকদের সাথে। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবার জন্য স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে, এর সুফলও পাচ্ছেন মানুষ। তিনি জানান, আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালের পরিকাঠামো মান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্যান্সার হাসপাতাল হল এটি। সেখানে বাইরের রাজ্যের থেকেও মানুষ ছুটে আসছেন চিকিৎসার পরিষেবা গ্রহণ করতে, তাই সেখানে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যাও আগামী দিন বাড়ানো হবে। कि अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी का यही कहना है कि हर एक नागरिक सुरक्षित हो, सुरक्षित रहे, और उसके लिए उसके पास ही, उसके गांव में ही जो सुविधा है वो और स्ट्रेंथन करे, और सभी का उसमें ये रहे, चाहे वो आयुष मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री हो, और वो वहाँ पे उपलब्धि हो, मेडिसिन अवेलेबल हो, इसको लेके आगे और ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग के लिए केंद्र सरकार की तरफ से निधि आवंटित की गई है। और आने वाले दिनों में किसी को जैसे कि कहते हैं कि कोई बचे नहीं कि हमें इलाज नहीं हो रहा है, तो सबके लिए, सबकी सुरक्षा के लिए हेल्थ फॉर ऑल ये कंसेप्ट है। ये जो कैंसर हॉस्पिटल है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बाहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसको और भी मॉडर्नाइजेशन करने के लिए क्या क्या पदक्षेप आप लोग देंगे? जी जरूर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का कैंसर इंस्टीट्यूट भी है। और जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों में जब शुरुआत हुई थी 100 बेड का ही था, और अभी अभी बढ़ा के उसको 200 बेड तक लाए हैं। आगे आने वाले दिनों में जैसे ही पेशेंट की यहाँ पे, बाकी राज्यों से भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं, मैंने अभी काफ़ी सारे पेशेंट अंदर देखे कि जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं, तो ज़रूर आगे आने वाले दिनों में और एक्सपांशन की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे ऑनको सर्जन, ऑनकोलॉजिस्ट और ओटी को लेके पहले सुविधाएं उपलब्ध करके, और आगे आने वाले दिनों में भी एक्सपांशन का ज़रूर विचार करेंगे, और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और केंद्र सरकार इस पर ज़रूर ध्यान दे के ये और अच्छे से लोगों को सुविधा देने के लिए तैयार है। थैंक यू मैम। वीडियो रिपोर्ट, सर्च इंडिया टेनेट।